Hello students, today we are doing exercise 3.6 question number 2, word problems. Question number 2 का जो first part है, वो कहता है Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find the speed in rowing, speed of rowing in still water and speed of the current. तो पहले तो समझते हैं upstream और downstream क्या होता है. ये आपकी स्ट्रीम है, ये आपकी बोट है. अगर बोट उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में फ्लो ऑफ करंट है, फ्लो ऑफ वाटर इन स्ट्रीम है, तो इसका मतलब बोट जो है डाउनस्ट्रीम जा रही है. डाउनस्ट्रीम, इट इज गोइंग डाउनस्ट्रीम, इट इज नॉट गोइंग अपस्ट्रीम. तो डाउनस्ट्रीम के केस में बोट और पानी की स्पीड, करंट की स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है. अब बोट है हमारे पास दोबारा और पानी है. बोट जा रही है इस तरफ और फ्लो ऑफ वाटर है ऑपोजिट. तो ऐसे में क्या होता है, इसे पहले तो देखिए, इसे कहते हैं अपस्ट्रीम. और ऐसे में बोट की स्पीड से पानी की स्पीड माइनस हो जाती है, बोट माइनस वाटर स्पीड. बोट की स्पीड से पानी की स्पीड माइनस हो जाएगी, क्योंकि बोट की स्पीड हमेशा पानी की स्पीड से ज्यादा होती है. ये है डाउनस्ट्रीम, जहां पे दोनों सेम डायरेक्शन में है, एडिशन हो जाएगी स्पीड्स की. यह है अपस्ट्रीम, जहां बोट और पानी दोनों की डायरेक्शन फ्लो की या जाने की अलग अलग है, तो इसे अपस्ट्रीम कहते हैं. बोट जो है इस डायरेक्शन में जा रही है, पानी इधर बह रहा है, यहां पर बोट की स्पीड से पानी की स्पीड माइनस हो जाए. अब हम लेट करते हैं, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी एक्स किलोमीटर, एक्स किलोमीटर पर एंड स्पीड ऑफ करंट, यानी कि पानी की जो स्पीड है बी वाई किलोमीटर पर. स्पीड जो है वो हमारी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में कैसे होगी, वो हम केसेस में लिख लेंगे. केस वन क्या है, केस वन है गोइंग डाउनस्ट्रीम. डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं, कितना किलोमीटर है, 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स. स्पीड क्या होगी, स्पीड हमारी यहां पर हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर. स्पीड का फॉर्मूला भी हमें पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये फॉर्मूला हम लगा देंगे. दिस इंप्लाइज दैट x प्लस वाई स्पीड है हमारी, डिस्टेंस कवर किया है 20, 2 आवर्स में ये आ गया 10, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. केस टू, केस टू है गोइंग अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 2 घंटे में 4 किलोमीटर कवर किए हैं अपस्ट्रीम जाते हुए. वी नो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो पहले स्पीड लिख लेते हैं हमारी. स्पीड क्या होगी, स्पीड इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर.
यानी कि बोट की स्पीड से हमने करंट की स्पीड पानी की स्पीड माइनस कर, इससे क्या आ जाएगा हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 4/2, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आ जाएगा यहां पर। दिस इंप्लाइज दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये हमारी हो गई इक्वेशन 2। नाउ यूजिंग एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यहां पर दोनों इक्वेशंस में y के कोफिशियंट्स 1 ही है, साइंस भी ऑपोजिट है, तो हम सीधा कैंसिल कर देंगे, x प्लस x 2x 12, x इज इक्वल टू 12/2, x इज इक्वल टू 6, x आ गया 6। नाउ पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, 6 प्लस y इज इक्वल टू 10, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, तो y इज इक्वल टू 4 आ गया। Therefore, speed of boat in still water is equal to 6 kilometers per hour and speed of current is equal to 4 kilometers per hour। अपना आंसर NCERT से पीछे से चेक कर लेते हैं फॉर वेरिफिकेशन। हाँ जी, हमारे आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। स्पीड ऑफ बोट जो है स्टिल वाटर में 6 किलोमीटर ही है, स्पीड ऑफ करंट 4 किलोमीटर ही है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. Two women and five men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. So, पहले हम क्या करते हैं, let कर लेते हैं. Let the time taken by one woman alone to finish the work be x days at time taken by one man to finish the work alone be y days। इसका मतलब ये हुआ कि एक फीमेल जो है x नंबर ऑफ डेज में अपना पूरा काम कंप्लीट कर लेती है और एक मेल जो है y नंबर ऑफ डेज में अपना पूरा काम कंप्लीट कर लेता है। तो इन x डेज वन वुमेन डज वर्क इज इक्वल टू 1, कोई काम जब कंप्लीट हो रहा है तो वो पूरा काम हो गया, 1 हो गया, उस काम को हमने ले लिया 1। अगर आप प्रोबेबिलिटी देखें तो 1 जो है वो मैक्सिमम नंबर होता है, अगर आप परसेंटेज देखें तो 100% होता है, तो वो भी 100/100 आके 1 आ जाता है। तो हम हमारा जो काम हो रहा है उसे इजीली 1 लेट कर सकते हैं क्योंकि वो कंप्लीट हो गया है,
तो वो हम वन लेट कर रहे हैं. इन एक्स डेज वन मूवमेंट डज वर्क इज इक्वल टू वन. तो इन वन वुमेन डज वर्क इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स. एक्स डेज में एक पूरा कंप्लीट काम, तो एक दिन में वन अपॉन एक्स वर्क हो जाता है. इसी तरीके से इन वाई डेज वन मैन डज वर्क इज इक्वल टू वन. इन वन डे वन मैन डज वर्क इज इक्वल टू वन अपॉन वाई. ठीक है, ये समझ लेते हैं कि एक आदमी और एक औरत किस तरीके से काम कर रहे हैं. एक्स डेज में एक औरत पूरा काम कंप्लीट कर लेती है, तो एक दिन में वो वन अपॉन एक्स काम कंप्लीट करेगी. वाई डेज में एक आदमी पूरा काम कंप्लीट कर लेता है, तो वन डे में वो वन अपॉन वाई वर्क कंप्लीट करेगा. ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये वाली और ये वाली, ये दोनों स्टेटमेंट्स मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है. एग्जाम में आप लेट करने के बाद दिस इंप्लाइज डाल के ये स्टेटमेंट एंड ये स्टेटमेंट, ये दो स्टेटमेंट लिख देंगे, आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे. आप अगर समझाना चाहें तो इसका यूज करें, लेकिन एग्जाम में डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. आप अपने नोट्स बनाते समय क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करते हैं तो ये जरूर लिख लें, आपकी अपनी समझ के लिए जरूरी है, बट एग्जाम में डायरेक्टली लिख दें, इससे आपका टाइम भी बचेगा और मार्क्स भी आपके इससे कटने नहीं है. अब हम केस वन देख लेते हैं. केस वन में टू विमेन एंड फाइव मैन, टू विमेन एंड फाइव मैन कंप्लीट वर्क इन फोर डेज, चार दिनों में इतना काम हुआ. दिस इंप्लाइज दैट वर्क डन इन वन डे, चार दिन में कंप्लीट काम हुआ, तो एक दिन में कितना काम होगा, वन बाई फोर्थ ऑफ द टोटल वर्क. ओके, सो टू विमेन टू मल्टीप्लाई वन अपॉन एक्स प्लस फाइव मैन फाइव मल्टीप्लाई वन अपॉन वाई डस वन बाई फोर ऑफ द वर्क इन वन डे. दो औरतें एक दिन में कितना काम करेगी, एक औरत वन अपॉन एक्स काम करती है, तो दो औरतें टू अपॉन एक्स काम करेंगी. एक आदमी वन अपॉन वाई काम करता है, तो पांच आदमी फाइव अपॉन वाई काम करेंगे, फाइव मल्टीप्लाई वन अपॉन वाई. चार दिन में पूरा काम कंप्लीट हुआ, तो एक दिन में कितना कंप्लीट होगा, वन बाय फोर्थ ऑफ द वर्क, वन बाय फोर. यानी कि दो आदमी सॉरी दो औरतें और पांच आदमी मिलकर वन बाय फोर्थ ऑफ द टोटल वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं एक दिन में. इसको वन मार्क कर देते हैं. केस टू जो है वो देख लेते हैं. केस टू कहता है थ्री विमेन एंड सिक्स मैन कैन फिनिश इट इन थ्री डेज. थ्री विमेन एंड सिक्स मैन कैन फिनिश कैन कंप्लीट वर्क इन हाउ मेनी डेज, थ्री डेज. दिस इंप्लाइज दैट वर्क डन इन वन डे, एक दिन में कितना काम हुआ, इज इक्वल टू वन बाई थ्री. सो तीन औरतें थ्री मल्टीप्लाई वन अपॉन एक्स एक दिन में इतना काम करेंगी, छह आदमी इतना काम करेंगे, और एक दिन में टोटल काम कंप्लीट हुआ है वन अपॉन थ्री. ये आ गया हमारे पास थ्री अपॉन एक्स
प्लस सिक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/3। ये टू मार्क कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, लेट 1/x इज इक्वल टू यू एंड 1/y इज इक्वल टू वी। दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास आ जाता है 2u प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4 और ये कन्वर्ट हो जाएगा 8u प्लस 20b इज इक्वल टू 1। ये आ गया हमारे पास। इसको मार्क कर लेंगे हम 3। इक्वेशन 1 और 2 का हो सकता आगे यूज हो सकता आगे ना हो। ये बेसिकली हम यहां मेंशन कर सकते हैं इक्वेशन वन। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। और क्या आएगा हमारे पास, 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 1/3 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9u प्लस 6 3 18v इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारी इक्वेशन 4। अब हमें इक्वेशन 3 और 4 को सिंप्लीफाई करना है, इन्हें सॉल्व करना है। ये मैं यहां की स्टेटमेंट रख कर सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4 यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास है 8u प्लस 20v इज इक्वल टू 1, 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को हम 3 से और इस इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 8 3 24u। ये आ जाएगा 24u प्लस 8 3 2 6 60v इज इक्वल टू 3। अगेन 24u प्लस 8 6 48 48v इज इक्वल टू 8। अब कोफिशिएंट सेम हो गए हैं, साइन चेंज कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। यहां आ जाएगा 12v इज इक्वल टू माइनस 5। कुछ गड़बड़ कर रही है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां पे हमने एक मिस्टेक कर दी है, उसे सुधार लेते हैं। मैंने क्या किया है, 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 1 यहां पर ले लिया, विच इज रॉन्ग। मुझे सिंप्लीफाइड इक्वेशन 4 लेनी थी, तो इसको जरा करेक्ट कर लेते हैं। ये आ जाएगा यहां पर 9u प्लस 18v इज इक्वल टू 1। ओके, अब हम इन्हीं से करना है सॉल्व। हम इसको करेंगे 9 से मल्टीप्लाई और इसको करेंगे 8 से मल्टीप्लाई। ये आ जाएगा 72u प्लस 9 2 18 180v इज इक्वल टू 9। 72u 18 8 8 8 64 8 1 8 16 144, v इज इक्वल टू 8। ये दोनों जो है सेम नंबर्स हैं, साइन भी सेम है, चेंज कर देते हैं। कोफिशिएंट्स इक्वल है u के, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, कैंसिल। 10 माइनस 4 इज 6 एंड 7 माइनस 4 इज सॉरी हाँ 7 माइनस 4 इज 3 और यहां आ गया हमारे पास 1। तो v इज इक्वल टू 1/36। ये आ गई v की वैल्यू, बट v हमारा क्या था, v हमारा था 1/y।
This implies that 1 upon y is equal to 1 upon 36, or we will simply say y is equal to 36. यानी कि एक अकेला आदमी 36 दिन में काम पूरा करेगा y डी से. अब हमें आगे सॉल्व करना है. Put v is equal to 1 upon 36 in equation 4. 4 में इजी रहेगा. 9u plus 18 multiply 1 upon 36 is equal to 1. 18 is 18, 18 to the 36. 9u is equal to 1. 9u plus 1 by 2 is equal to 1. This implies that 9u is equal to 1 minus 1 by 2 is equal to 1 by 2. 9u आ गया हमारे पास 1 by 2. इसका मतलब हुआ u is equal to 1 upon 18. This implies that 1 upon x is equal to 1 upon 18. Or we can say x is equal to 18. अपने answers check कर लेते हैं. Yes, answers are correct. One woman can complete the work in 18 number of days and one man can complete the work in 36 number of days. So, one woman can complete the work alone in 18 days. And one man can complete the work alone in 36 days. ये है हमारे answers. इसके साथ हमारा second part जो है इस question का complete हो गया है.